निर्णय लिया कि लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व के अवसर पर साइकिल का इस्तेमाल करो, एक संदेश दो लोगों को। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, चार जगहों पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू। और नवादा में मुस्लिम वोट मायने रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज प्यार के साथ। बड़ी खबर के साथ आपके साथ जुड़ रहे। देखिए, नवादा में बड़ा खेल हो गया। जिस तरीके से चुनावी समीकरण तैयार किए जा रहे थे, लगातार प्रत्याशी अपने दमखम दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच आज बैलेट बॉक्स में किस्मत का ताला बंद हो रहा है और तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और जो बड़ी खबर नवादा से निकल कर सामने आ रही है कि नवादा इसलिए हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि देखिए, महागठबंधन पर से एनडीए का दौर शुरू है। औरंगाबाद में, पूर्णिया में ठीक वही है, निर्दलीय पप्पू यादव आ जाते हैं। जमुई में रचना रविदास और अरुण भारती। अब नवादा में अगर बात कर लिया जाए तो गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी, विनोद यादव निर्दलीय प्रत्याशी और उसके बाद विवेक ठाकुर एनडीए प्रत्याशी। और महागठबंधन की अगर बात की जाए, जो खुले मंच से तेजस्वी यादव ने कहा था कि अंडा बेचने वाले को बेटे को मैंने टिकट दिया, यानी श्रवण कुशवाहा। अभी इस बीच नवादा से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, विवेक ठाकुर एनडीए टेंशन में है, चिंतित है। जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सोर्स हमारे बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि अभी महज 1 से 2 बजा है, यानी 2-2.5 बज रहा होगा जिसमें आप वीडियो देख रहे होंगे। और जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, चौंकाने वाले वोट परसेंटेज आंकड़ाएं निकल कर सामने नवादा से आ रही है। जिस तरीके से नवादा सीट हॉट सीट माना जा रहा था क्योंकि राजवल्लभ यादव को दरकिनार कर दिया गया लालू परिवार के तरफ से और कुशवाहा समाज को दिया गया था टिकट, जिसके बाद से राजवल्लभ यादव बगावत को उतरते हैं, उनके भतीजे एमएलसी अशोक यादव बगावत को उतरते हैं, जिसके बाद विनोद यादव को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया जाता है। लेकिन वहाँ समीकरण अब बदल चुका है, वोटिंग परसेंटेज बता रही है, वहाँ से सूत्र हमारे बता रहे कि सबसे आगे निकल रहे हैं श्रवण कुशवाहा, यानी विवेक ठाकुर को बड़ा झटका, यानी साफ तौर से कह सकते हैं कि एनडीए को बड़ा झटका वहाँ लग सकता है। लेकिन अभी भी आंकड़ा में आगे पीछे, यानी टक्कर की बात की जाए तो दोनों निर्दलीय प्रत्याशी अभी पीछे चल रहे हैं, यानी साफ तौर से भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव अभी पीछे चल रहे हैं। और टक्कर एनडीए और महागठबंधन में साफ तौर से नवादा में अब देखने को मिला। देखिए, चरकोनिये इसलिए नवादा बन गया क्योंकि दो निर्दलीय प्रत्याशी, यानी वोट बैंक को अगर तोड़ा भी जाता है तो बढ़ सकता है। कहा जाता है नवादा में वाईएम समीकरण नवादा में ही देखने को मिलता है, जिसके बाद से अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, नवादा में जिस तरीके से वोट परसेंटेज का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि महागठबंधन वहां से आगे चल रही है, यानी श्रवण कुशवाहा वहां से आगे चल रहे हैं। पीछे 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 की बात अगर की जाए तो विवेक ठाकुर सहमत की खेल अभी भी जारी है। लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से अभी जो खबर निकल कर सामने आई है, उसमें महागठबंधन रेस में, यानी साफ तौर से कह सकते हैं गया भी टेंशन में है। मान जी, उन्होंने साफ तौर से निजी चैनल को बयान दिया था कि गया में भी टेंशन में है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी महंगा पड़ सकता है अपने जिया जी को टिकट देने में, क्योंकि वहाँ की स्थानीय रचना रविदास है। जिस तरीके से जो टक्कर की बात सामने आ रही थी नवादा में, जिस तरीके से अब खेल और समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वक्त अभी 5 बजे तक का है, वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। कहा जा रहा है विवेक ठाकुर के द्वारा, यानी एनडीए प्रत्याशी के द्वारा, कि लास्ट होते होते सारा मूवमेंट बदल जाएगा, एनडीए की जीत होगी। देखना होगा कि किस तरीके से एनडीए की जीत होगी। बीजेपी के कद्दावर नेता श्रवण कुमार क्या कुछ कर रहे हैं और चारों सीट को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दुनिया एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए हमें संकल्प लिया है कम से कम महीने में 1 दिन भी कम से कम साइकिल चलाएं। और इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है कि माननीय मोदी जी का आह्वान है, देश के प्रधानमंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान है, प्रसन्नमुख भारत, प्रसन्नमुख बिहार। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरा दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है। हम सब अपील करना चाहेंगे, हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में साइकिल इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए निर्णय लिया कि लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व के अवसर पर साइकिल का इस्तेमाल करो, एक संदेश दो लोगों को। अपील विरोध करना चाहते हैं कि आने वाले समय में देशवासी, बिहारवासी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, जलवायु संकट से निपटने के लिए एक देश साइकिल का इस्तेमाल। प्रेम कुमार जी, फीडबैक क्या है चारों लोकसभा क्षेत्र से? एकदम क्लीन स्वीप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है चारों सीट पर। नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, दो जगह कमल खिलेगा, नवादा में और औरंगाबाद में।
और गया में कड़ाही पर बटन दबा रहे हैं और वहाँ जमुई में हेलीकॉप्टर है। इस तरह चारों सीट पर हमारे एनडीए के प्रत्याशी माननीय मोदी जी का जो 10 वर्षों का जो इतिहास रहा है विकास के मामले में, जनता विकास चाह रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाह रही है, उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का, उसके आधार पर जनता वोट देने का काम कर रही है। मतदान हुआ हो गया, समय है, शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा, वक्त है, निकल रहे हैं लोग घरों से, काफी देर लगा हुआ है और पूरा दावा है अच्छा मतदान होगा, जनता भाग ले रही है।